उत्तराखंड के कई इलाकों में हुई भारी बारिश और बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। मौसम की मार केदारनाथ यात्रा पर भी पड़ी, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से उसे रोक दिया गया। केदारनाथ से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें पहाड़ बर्फ से ढके नजर आए और लगातार वहां बर्फ गिरती भी दिखाई दी। वहां मौसम का मिजाज कुछ ऐसा बिगड़ा कि प्रशासन ने हेलीकॉप्टर सेवाएं भी बंद कर दी और केदारनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो जहां था वहीं फंस गया। कुछ ऐसे ही हालात सोनप्रयाग में भी देखे गए, जहां पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने होटल लौट जाएं। आपसे अनुरोध है कि कृपया सुरक्षित जगह पे रुक जाएं। सोनप्रयाग में तेज बर्फीली हवाएं चलने के साथ बारिश हुई, यही वजह रही कि केदारनाथ यात्रा को वहीं रोक दिया गया। और ये हालात केवल इन्हीं जगहों के ही नहीं रहे, उत्तराखंड के कुछ दूसरे इलाकों को भी इसी तरह की मौसम की मार से जूझना पड़ा, जिनमें पिथौरागढ़ भी शामिल है। वहाँ इतनी बारिश हुई कि नदी नाले उफान पर आ गए। ऐसे ही एक नाले पर पुल बनाया जा रहा था, जिसका एक हिस्सा पानी के तेज बहाव के साथ बहता चला गया, और ऐसा पहली बार नहीं जब वहाँ ऐसे हालात बने हों। बताया गया कि हर बार बारिश के बाद उस नाले में पानी का बहाव बढ़ जाता है, जिससे मुनस्यारी की तरफ जाने वाला रास्ता बंद हो जाता है। लगातार आसमान से बरस रहे पानी ने रुद्रप्रयाग में भी लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। ये बद्रीनाथ को जाने वाला रूट है और इस तरह के हालात आगे भी मिलेंगे। बारिश की वजह से वहां लोग अपने घरों से बाहर न निकलने को मजबूर हो गए। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक टैंक में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। ज़ेलेंस्की की फौज का दावा है कि उसकी तरफ से बिछाई गई बारूदी सुरंग की चपेट में आने से रूस का टैंक ध्वस्त हो गया। और जो वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, उसमें जंगल के बीच सड़क से एक टैंक गुजरता दिखाई दिया। दावा किया गया कि ये टैंक यूक्रेन के सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। सब कुछ रूस के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन तभी वो हुआ जिसकी पुतिन की फौज को उम्मीद नहीं थी। तस्वीरों में दिखा कि कैसे टैंक जंगल से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसमें तेज धमाका हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि पलक झपकते ही टैंक के परखचे उड़ गए। वहीं धमाके के बाद जंगल में धुएं का गुबार छाया नजर आया। बताया गया कि जो टैंक बारूदी सुरंग की चपेट में आया, वो ज़ेलेंस्की की सेना पर छिपकर हमले कर रहा था। मुंबई में मानसून से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। मुंबई के नगर निगम, बीएमसी और रेलवे ने मानसून से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी और उन रेल पटरियों का जायजा लिया जहां बारिश का पानी जमा हो जाता है। दिल्ली पुलिस ने लोक गायिका संगीता की हत्या के आरोप में दो लोगों को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कानपुर में चौबेपुर रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से अजोव समंदर तट पर लैंडमाइन हटाने का एक वीडियो साझा किया गया। इस वीडियो में रूस के कुछ सैनिक हाथ में मशीन लेकर माइन को खोजते हुए नजर आए। इस दौरान वहां पर कुछ माइन में धमाके की तस्वीर भी सामने आई। बताया ये जा रहा है कि रूस की सेना की तरफ से वहां पर 300 से ज्यादा विस्फोटक नाकाम किए गए हैं। उधर खबर है कि यूक्रेन के डॉनबास इलाके में पुतिन की सेना को हफ्ते भर के अंदर भारी नुकसान उठाना पड़ा, जबकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि इस इलाके में चल रही जंग पर रूस के राष्ट्रपति खुद नजर बनाए हुए हैं और वहां हमले की पूरी रणनीति भी वही तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने डॉनबास को जीतने के लिए अपने महाशक्तिशाली टर्मिनेटर टैंक तक जंग के मैदान में उतार दिए। लेकिन इसके बावजूद पुतिन की सेना अब तक वहां कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाई है, उल्टे उसे कई मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ी। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि एक हफ्ते के अंदर डॉनबास में ज़ेलेंस्की की सेना रूस की फौज की करीब 200 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर चुकी है, जबकि इस दौरान उसने रूस के 40 से ज्यादा टैंकों को भी ध्वस्त कर दिया। खबर है कि यूक्रेन के ताबड़तोड़ पलटवार से रूसी सैनिक बुरी तरह सहम गए हैं और कई जगहों पर उन्हें उल्टे पांव भागने को मजबूर तक होना पड़ा है। यही नहीं, दावा तो ये भी है कि उन्होंने डॉनबास इलाके में अभियान जारी रखने के पुतिन के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसे पश्चिमी मीडिया ने करीब 3 महीने से जारी इस जंग में एक बड़े बदलाव का संकेत बताया और दावा किया कि शुरुआत में आत्मरक्षाकर्ता दिख रहा यूक्रेन अब रूस को कड़ी चुनौती देने की स्थिति में आ चुका है, जिसकी गवाही ब्रिटेन के अखबार एक्सप्रेस में छपी उस रिपोर्ट ने दी, जिसमें दावा किया गया कि डॉनबास में हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए रूस ने यूक्रेन से वहां सीज फायर कर एक बार फिर शांति वार्ता शुरू करने की पेशकश की। हालांकि खबर है कि यूक्रेन ने मौजूदा हालात में रूस के साथ युद्ध विराम की संभावना से इनकार कर दिया और साफ कर दिया कि 24 फरवरी यानी जंग की शुरुआत से पहले की स्थिति मानने पर ही सीज फायर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रूस को यूक्रेन में अपने कब्जे वाले सभी इलाकों से पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन इन दावों के बीच जंग को 3 महीने पूरे होते ही अचानक रूस ने यूक्रेन के डॉनबास में हमले तेज कर दिए, इतने तेज कि यूक्रेन ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की जमीन पर उन्हें अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया।
और रूस के उस जबरदस्त वार से खुद को बचाने के लिए यूक्रेन ने अपने साथी देशों से हथियारों की सप्लाई में तेजी लाने की मांग की। असल में यूक्रेन के उत्तर और उसकी राजधानी कीव में मुंह की खाने के बाद रूस ने मार्च में यूक्रेन के पूर्व में मौजूद डॉनबास इलाके पर अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया था और फिर पिछले महीने उसने डॉनबास पर कब्जा जमाने के लिए युद्ध का दूसरा चरण भी शुरू किया था। लेकिन उस जंग को भी एक महीना पूरा हो चुका है और रूस के हाथ मारियोपोल के अलावा कुछ खास नहीं लगा, बल्कि खार्कीव से भी यूक्रेन की सेना ने रूस को खदेड़ने का दावा कर दिया। ऐसे में लग रहा है कि रूस ने डॉनबास को अपनी मुट्ठी में करने के लिए वहां पूरी जान फूंक दी है। लेकिन सवाल यह है कि डॉनबास रूस के लिए इतना अहम क्यों है? क्यों रूस ने डॉनबास पर अपनी नजरें गड़ाई हैं? फिर क्यों वहां एक महीने से अपने हथियार झोंके हुए हैं? तो इसकी वजह राजनीतिक भी है, कूटनीतिक भी और आर्थिक भी। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें उसके डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत आते हैं और सबसे अहम बात यह कि ये दोनों ही प्रांत रूस की सीमा से लगते हैं और वहां रहने वाले लोगों की बड़ी तादाद रूसी भाषा बोलती है। मतलब डॉनबास के ज्यादातर लोग रहते तो यूक्रेन में हैं, लेकिन बोलते हैं रूस की भाषा। वो खुद को यूक्रेन के बजाय रूस के करीब मानते हैं। यानी यूक्रेन का डॉनबास सोवियत संघ के टूटने के बाद भी उसके हिस्सों पर रूस के दबदबे की निशानी है और इसी वजह से डॉनबास रूस के लिए जमीन का महज एक टुकड़ा नहीं बल्कि राष्ट्रवाद का सवाल है। और तो और 2014 से डॉनबास में यूक्रेन से अलग होने के लिए विद्रोह छिड़ा हुआ है। विद्रोही अपने ही सरकार के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं। वो विद्रोही अकेले नहीं हैं, उनके सिर पर रूस का हाथ है। डॉनबास के काफी हिस्से पर रूस के समर्थन वाले इन अलगाववादियों ने कब्जा भी किया हुआ है। यानी कहने को तो डोनेस्क और लुहांस्क यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन वहां के एक बड़े इलाके पर रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों का राज चलता है। इतना ही नहीं, यूक्रेन पर हमला बोलने से पहले पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क दोनों को आजाद देश की मान्यता भी दे दी थी। ऐसे में डॉनबास जीतना रूस के लिए राजनीतिक जीत होगी और फिर डॉनबास सोने के अंडे देने वाली वो मुर्गी है जो अगर रूस को मिल गई तो उसके वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि डॉनबास बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जहां कोयले की खदानें हैं, वहां स्टील भी बनता है। यह है रूस की डॉनबास पर नजरें गड़ाने की आर्थिक वजह। वहीं रूस के डॉनबास को टारगेट बनाने की तीसरी बड़ी वजह रणनीतिक है। मारियोपोल पर तो रूस कब्जा कर ही चुका है, ऐसे में अगर पूरे के पूरे डॉनबास पर उसका राज हो गया तो रूस यूक्रेन के क्राइमिया तक, वो क्राइमिया जिसे उसने 2014 में यूक्रेन से हथिया लिया था, वहां से रूस तक एक लैंड ब्रिज बन जाएगा जो कि रूस के लिए काफी अहम होगा, क्योंकि अब तक रूस के पास क्राइमिया तक जाने का बस समंदरी एक रास्ता। अमेरिका के टेक्सास में शूटआउट स्कूल में हुई फायरिंग में अब तक 21 लोगों की मौत। अमेरिका के टेक्सास में फिर गोलीबारी, स्कूल में हुई फायरिंग में एक टीचर और 18 बच्चों की मौत। क्वाड बैठक के सफल दौरे से स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री मोदी। क्वाड नेताओं ने कड़े शब्दों में की हर तरह की आतंकी गतिविधियों की निंदा। लौटते ही आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कैबिनेट की बैठक। आज इस्लामाबाद में इमरान खान की रैली, रैली को दिया जिहाद का नाम। पाकिस्तानी सेना को भी दी धमकी, कहा न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल की तरह बर्ताव भी करो। आईपीएल के फाइनल में पहुंचा गुजरात, राजस्थान को 7 विकेट से हराया। डेविड मिलर ने 3 गेंद में 3 छक्के लगाकर दिलाई जीत। जंग के बीच अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने जल्द ही महाशक्तियों के बीच जंग छिड़ने की आशंका जता दी, जिससे पूरी दुनिया दहशत में आ गई। क्योंकि जनरल मार्क मिली सिर्फ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ही नहीं बल्कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर भी हैं और उन्होंने अमेरिकी सेना में शामिल नए अफसरों से रूस और चीन की चुनौती से निपटने को तैयार रहने के लिए कह दिया। The world you are being commissioned into has the potential for significant international conflict. यही नहीं, उन्होंने रूस और चीन की लगातार बढ़ती ताकत को यूरोप और एशिया में अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बताया। United States is under significant challenge in Europe, Asia. जनरल मार्क मिली नए अफसरों को ही नहीं बल्कि अमेरिकी सेना को भी रूस और चीन की चुनौती से निपटने के लिए अपनी तैयारियां तेज करने की नसीहत देने से नहीं चूके। असल में एक ओर अमेरिका को डर है कि यूक्रेन को मिल रही मदद से बौखलाए पुतिन कहीं परमाणु हथियार का इस्तेमाल न कर दें और दूसरी ओर ताइवान को लेकर भी चीन के साथ अमेरिका की तनातनी जंग की ओर बढ़ती दिख रही।